हरी कार बस इसको क्रॉस कर रही है, और मेरे पापा ने बस को देखकर अचानक से बोला, कहता बेटा अगर तू तो उस दिन मेरी बात छोड़ मानकर सुनकर इस इंडस्ट्री को क्विट कर देता, अपना काम छोड़ देता, तो हिम्मत हार जाता, तो आज हम दोनों लांसर पे नहीं होते, बस पे होते। कामयाब इंसान एक नाकामयाब इंसान से कई गुना ज्यादा बार फेल होता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता, हार नहीं मानता और क्विट नहीं करता। जब मैं आ गया डेक्सली में, आते सीरियस बंदा, तो मैं सीरियस हुआ, फिर मेरा बॉस मेरे को झटकियां मारता था, मेरे को कोई असर नहीं होता था, और मैं मन ही मन सोचता था, वो कहता तेरे को हुआ क्या, और मैं मन ही मन सोचता था सर आपको क्या पता पक्षी उड़ने वाला है। प्रैक्टिस करता है मालिक किसी ईओ के साथ, वो टर्नओवर के बारे में बात नहीं करता, कितना काम आप करके दिखाओगे उसके बारे में बात नहीं करता, वो उसको सीईओ के इंटरव्यू से पूछता है आप अपनी लास्ट फेलियर बताओ, और फेलियर से कैसे आपने कंपनी को निकाला उसके ऊपर 15 मिनट बोल के दिखाओ। जब हम काम करना स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या मिलती है, हमें मिलती है नेगेटिविटी, हमें मिलता है फेलियर, हमें मिलते हैं चैलेंजेस। आसान नहीं, ये सफर नहीं है आसान, आसान नहीं है। आपको मालूम है बड़े लोग ये कहते हैं सर मैं फेल हो गया, सर मैं बार बार टीम बनाऊं, सर मैं बार बार काम करूं, क्या मैं बार बार ये करूं। एक आपको बता दूं, जिसको फेल होने से डर लगता है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकता, माइंड इट। एक सक्सेसफुल इंसान एक आम इंसान से कई गुना ज्यादा बार फेल होता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता, वो हार नहीं मानता और वो क्विट नहीं करता। एक कामयाब इंसान एक नाकामयाब इंसान से कई गुना ज्यादा बार फेल होता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता, हार नहीं मानता और क्विट नहीं करता। नेगेटिविटी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। अब मैं अगर अपनी बात करूं, जॉब के साथ साथ मैंने ड्रग सेलिंग का करियर स्टार्ट करा। 8 से 5-6 बजे तक मैं जॉब करता था, 6 से रात के 11-12 बजे तक मैं इस इंडस्ट्री में काम करता था। रात को 10-10, 11-11 बजे तक मैं लोगों को जा जाके मिल रहा था, प्रेजेंटेशन दे रहा था, प्रोडक्ट के बारे में बता रहा था, अपना बिजनेस बढ़ा रहा था, लेकिन मेरे को बहुत सारी नेगेटिविटी मिली। मेरे को नेगेटिविटी मिली मेरे रिलेटिव से, मेरे को नेगेटिविटी मिली मेरे फ्रेंड्स से, मेरे को नेगेटिविटी मिली मेरे नेबर से, मेरे को नेगेटिविटी मिली मेरे कोलीग्स से, सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी मिली मेरे को मेरे घर से ही, जिनको अवॉइड भी नहीं किया जा सकता, और लोगों से तो डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है लेकिन घर वालों से कैसे होगा। और घर वाले मेरे को रोज नेगेटिव कर रहे थे, छोड़ दे ये, इसमें क्या रखा। वो भी अपनी जगह सही थे, उनको कौन सा पता था कि ये इंडस्ट्री उनको कहां तक ले, उनके बेटे को कहां तक लेके जा सकती है। पता मेरे को था, वो अपनी जगह सही थे, उनसे मेरी मेहनत देखी नहीं जा रही थी, लेकिन मैं मन ही मन उनके साइकिल को कार में कन्वर्ट करना चाहता था। मेरे मदर मेरे को नेगेटिव करते थे, लेकिन मैं मन ही मन दिल ही दिल उनको एक अच्छा घर गिफ्ट करना चाहता था। वो मेरे को नेगेटिव करते थे, लेकिन मैं उनको एक बहुत खतरनाक वाला लाइफस्टाइल देना चाहता था। वो मेरे को नेगेटिव क्यों करते थे, मेरे को काम करने से क्यों रोकते थे, पता क्यों रोकते थे? क्योंकि वो मेरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन आपको पता मैं क्यों नहीं रुका? क्योंकि मैं उनसे भी ज्यादा उनसे प्यार करता था, मैं इसलिए नहीं रुका, मेरा प्यार कुछ ज्यादा था। नेगेटिविटी की बात करूं तो मेरी नई नई शादी हुई थी जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, तो जब भी मैं अपने ससुराल के जहां पे जाता था तो मेरी मतलब जो खातिरदारी होने के बाद जो भी होता है जवाइयों के साथ पूरा प्यार मोहब्बत, और उसके बाद क्या होता है, मेरी मदर इन लॉ मेरे को एक बात बोलते थे, बेटा बाकी सब ठीक है लेकिन कभी जॉब मत छोड़ना। मैं मन ही मन छोड़ू, मैं तो वो डिसाइड कर चुका हूँ, अभी डिक्लेयर नहीं करूंगा। कहते नौकरी पक्की होती है, मैंने कहा हाँ मेरे पापा ने भी बहुत पक्की करी है। मन
सोच रहा था मेरे मन में क्या चल रहा है. विजेत एक जो आसपास के लोग आपके बाहर वाले हालात देख के आपके ऊपर एक्ट करते हैं, लेकिन एक विनर अपने अंदर वाले हालातों से जाना जाता है. मेरे रिलेटिव मेरे को बोलते थे जिन चक्करों में तू पड़ गया ना तेरा साइकिल भी बिक जाएगा, तेरी नौकरी भी चली जाएगी. और मैं मन ही मन सोच रहा था यार ये दोनों चीजें मेरे को अच्छी लगती, इनका तो स्यापा, यही तो मैं छोड़ना चाहता हूं, यही तो मैं चाहता हूं. ना नहीं देखो मैं एक पागल इंसान था, दिमाग खराब था मेरा कामयाबी को लेकर. असर हो रहा है पागल को हो रहा जो अचानक से ऐसे भी हंस दे उसको क्या कहते हैं, बधाई हो इधर से एक पागल पैदा हो गया है. तो मैंने बोल दिया था अपने ही मन में, किसी को नहीं बोला, वो तो सारे मेरे पीछे पड़ते थे, जो, 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 पागल है. बोला नहीं, अंदर ही अंदर पागल था, अंदर अंदर दिमाग खराब था, काम करता रात दिन रात, मीटिंग 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 मीटिंग. मेरा बॉस मेरे को बोलता था दोनों में से एक चीज, जो नौकरी या ड्रग सेलिंग. मैं मन ही मन सोचता था सर जो आप कहोगे कर देंगे बाद में, नहीं अंदर ही अंदर. पहले मेरा बॉस मेरे को झिड़कियां मारता था तो मेरे को बुरा लगता था क्योंकि मैं जॉब में बहुत सीरियस था, लेकिन जब मैं ड्रग सेलिंग में सीरियस हुआ, जब मैं आ गया ड्रग सेलिंग में, आते सीरियस बंदा तो मैं सीरियस हुआ, फिर मेरा बॉस मेरे को झिड़कियां मारता था, मेरे को कोई असर नहीं होता था. और मैं मन ही मन सोचता था, वो कहता तेरे को हुआ क्या, और मैं मन ही मन सोचता था सर आपको क्या पता पक्षी उड़ने वाला है, आपको क्या पता उड़ने वाला है, उड़ने वाला है, उड़ने वाला है. मेरे से नहीं अपने सपनों से. मैं हाय कसम मैं आपको इस सॉन्ग की, अगर लड़की ने लड़के के बारे में सोचा और लड़के ने लड़की के बारे में सोचा, कसम मैं आपको, कसम मैं आपको, कसम मैं कामयाबी की आपको सोचना है. कहते मोहब्बत उससे करो जिससे करने के बाद पूरी दुनिया आपसे मोहब्बत करना स्टार्ट हो जाए. मोहब्बत करिए अपनी कामयाबी से, मोहब्बत करिए अपने प्रोफेशन से, मोहब्बत करिए. हाँ ये टॉपिक भी है मेरे पास, तैयारी पूरी है अभी पेपर की. पर्चियां साल ले गया और ये स्क्रीन लाई बड़ी पर्ची. अब बंदा भूल जाए तो ये पर्ची, नहीं तो माहौल बना के दूसरी पर्चियां. मैं कहां था, और भाई आप जैसा ही हूं, लेकिन आज मैं आपके लिए 2004 की फोटो लेके आया हूं अपनी, शेयर करूंगा आपके साथ. तो अभी नहीं, अभी नहीं, अभी कैमरे तैयार मत करिए. तो मैं ये कह रहा था जब मैंने हार नहीं मानी, हिम्मत नहीं हारी, दुनिया नेगेटिव करे जाए. देखो कोई चीज आपके ऊपर तब असर करती है जब आप एक्सेप्ट करते हैं और रिएक्ट करते हैं. ये जब आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे,
तो रिजल्ट आ ही नहीं सकता ना गलत। तो बड़ी नेगेटिविटी मिली, भर भर के नेगेटिविटी मिली, इस पर भी कभी फिर चर्चा करेंगे डिटेल के अंदर, लेकिन मैं आपको बताऊं, फिर राइट टू ईयर्स के बाद जून 2002 के अंदर मैं इस इंडस्ट्री में आया और जुलाई 2004 के अंदर मैंने अपने जीवन की पहली कार ली। वो कार पे मैं और मेरे पापा, वो कार का नाम क्या था, आगे से भी लंबी पीछे से भी लंबी ब्लैक कलर की लांसर, 2004 की बात करूं तो उस कार पे मैं और मेरे पापा, जो मेरे को नेगेटिव करते थे, तो कुछ नहीं कर सकता, मैं मानी मान सोचू, अच्छा बहुत कुछ करके दिखाऊंगा कुछ नहीं, बहुत कुछ मानी मान बोला नहीं, ठोक देते मेरे को। तो जब मैं गाड़ी में जा रहा हूं, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है अमृतसर टू चंडीगढ़, चंडीगढ़ बड़ी अच्छी जगह लगती मेरे को, तो मैं लेकर जा रहा था उनको वहां पे, तो वो ड्राइवर ड्राइव कर रहा, मैं मेरे पापा पीछे बैठे, सीन सुनिए सीन, तो मैं इधर बैठा, पापा इधर बैठे हैं, तो मैं उनको जूस पिला रहा हूँ, कुछ और सैंडविच या कुछ भी जो सामान समूह रास्ते से लिया था उनकी सेवा में हाजिर करके बैठा हुआ हूँ, और मेरे पापा जूस का सिप ले रहे हैं, सैंडविच की बाइट ले रहे हैं, पता नहीं किन ख्यालों में खोकर रोड को देख रहे हैं, और हमारी कार बसेस को क्रॉस कर रही है, और मेरे पापा ने बस को देखकर अचानक से बोला, कहता बेटा अगर तू उस दिन मेरी बात छोड़ मानकर सुनकर इस इंडस्ट्री को क्विट कर देता, अपना काम छोड़ देता, तो हिम्मत हार जाता, तो आज हम दोनों लांसर पे नहीं होते, बस पे होते। थैंक यू बेटा। पापा बोले थैंक यू बेटा, तूने उस दिन मेरी बात नहीं मानी, तू काम करता रहा, आई लव यू। धक्का मारने वाले भी आपको मोहब्बत करेंगे, नेगेटिव करने वाले भी आपको मोहब्बत करेंगे, और जो आज स्टार्ट नहीं करा वही कहेगा मेरे गुरु हैं आप। यस और नो? तो बहुत सारी नेगेटिविटी। अब फेलियर से लोग डर जाते हैं, फेलियर से घबराना नहीं होता, फेलियर को फेस करना होता है। एक मैं आपको यहाँ पे, आप देखो, आप बड़ी बड़ी कंपनीज देखते हैं, जो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं उनके अंदर मालिक के बाद एक पोजीशन होती है सीईओ, जो कंपनी को रन करता है। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा, मेरे मन में भी बहुत सवाल आता था ये वाला, फिर उसका बाद उसका जवाब मिला मेरे को। वो सवाल क्या था, वो सवाल मेरे मन में आता था कि यार ठीक है, छोटे लेवल पे तो इंटरव्यू में क्या पूछते हैं ये तो हमें पता है, इनको इंटरव्यू में क्या पूछते होंगे जिसे पूरी कंपनी चलानी है। ठीक है, ये किसी न किसी कंपनी में तो काम करते होंगे, वहां पे भी टर्नओवर दे रहे होंगे, यहाँ पे भी टर्नओवर उनको चाहिए होगी, तो टर्नओवर तो हर जगह हो रही है। तो वहां पे जब स्टडी करा गया, देखा गया, तो वहां पे इंटरव्यू में क्या डिस्कस करता है मालिक किसी सीईओ के साथ, वो टर्नओवर के बारे में बात नहीं करता, कितना काम आप करके दिखाओगे उसके बारे में बात नहीं करता, वो उसको सीईओ के इंटरव्यू में उनसे पूछता है आप अपनी लास्ट फेलियर बताओ, और फेलियर से कैसे आपने कंपनी को निकाला उसके ऊपर 15 मिनट बोल के दिखाओ, क्या क्या आपने स्ट्रेटजी अपनाई, क्या क्या आपने किया जिससे आपने अपनी फेलियर को, अपनी कंपनी की फेलियर को, अपनी टीम की फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट करा, ये उसको पूछा जाता है। बड़ी बड़ी पोस्ट वालों को भी क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता आप कितनी बार फेल हुए, ये पूछा जाता है कितनी बार फेल होकर आपने कंपनी को जीरो से हीरो बनाया है। फेलियर को एक्सप्लेन किया जाता है। तो आप लोग अब देखो, हर सक्सेसफुल इंसान एक दिन फेलियर होता है, यस और नो? जितनी भी मूवी बनी है, सचिन जी की मूवी देख लो, धोनी जी की मूवी देख लो, अक्षय कुमार जी की पैडमैन देख लो, हर जगह पे फेलियर आती है। जिसको फेलियर नहीं आ रही ना उसको चिंता करने की जरूरत है, जिसको नेगेटिविटी नहीं मिल रही ना उसको चिंता करने की जरूरत है, जिसको चैलेंजेस नहीं मिल रहे ना उसको चिंता करने की जरूरत है, इसका मतलब वो काम ही नहीं कर रहा। कम ऑन, आज के बाद नेगेटिविटी मिले, प्रॉब्लम आए, तो सोच लेना कि कामयाबी भी, देखो होता क्या, हमारी प्रॉब्लम पता क्या है, हम अपनी सक्सेस स्टोरी तो लिखना चाहते हैं, कामयाबी की स्टोरी सुनाना लोगों को चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम ये चाहते हैं उसमें कोई दर्द ना हो, प्रॉब्लम ना हो, चैलेंजेस ना हो, फेलियर ना हो, नेगेटिविटी ना हो, पेन ना हो। सुना तो आपने होगा, रेनबो इज नॉट पॉसिबल विदाउट रेन, and success is not possible without pain.
not possible without pain. जब दर्द नहीं था सीने में तब खाक मजा था जीने में, तो दर्द होना चाहिए. Yes or no? तो आगे चलें. हाँ, दिखाइए पिक्चर. ये 2004 का गुरिंदर सिंह. जितने भी लोग आगे बैठे हैं, ये मैं सबको जानता हूं, लेकिन ये मेरी टीम नहीं है. मेरे को ऐसे चढ़ा दिया था, पागल है, उड़ा दे. अपलाइन में चढ़ा देती थी, ठीक है यार, जाके एक्साइटेड होकर उड़ाया जा रहा, बस कम से कम. और मैं भी खुश होता था, मेरे को परफॉर्मेंस देने का मौका तो मिल रहा है. आई लव परफॉर्मेंस. और अब देखना चाहते हैं 2022 का गुरिंदर सिंह, देखिए. आता माजी से निकले कौन कौन है जो ऐसी पिक्चर खुद की भी बनाना चाहता है? तैयार है? घबराना नहीं. इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं किस कदर चोट खाए हुए हैं. आगे तो फिर वो आ जाता है, आज ही हमने पहने कपड़े, वो तो ठीक है रोज ही पहनते हैं, तो वो नहीं है. यही भाई, याद रखिए, हर जगह से हर चीज नहीं लेनी होती. समझ गए हो? तो पहली फोटो देखिए. देखा, देखो पीछे आई और ये 2004 वाली. ये देखो, बंदे की पेंट कहाँ जा रही है, शर्ट कहाँ निकलती जा रही है, एक्साइटमेंट देखो. और मेरे को ये पता है, ये पेंट 300-400 की होगी और शर्ट शायद याद नहीं था, बहुत पुरानी है. तो सोच कर देखिए. और टाई, ऐसी थी जो ना हिल जाती थी, इसके ऊपर ना वो लगाते थे, वो सस्ती साई टाई होती ना 50 रुपए वाली, वो हिलती रहती है ऐसे ऐसे ऐसे. वो है, सोचिएगा, बदल दो.